मैं बोल रही हूँ लेकिन आप मेरा शरीर को देख रहे हैं, मुझ आत्मा को शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, शायद नहीं, वास्तव में नहीं देख पा रहे। तो वैसे ही हमारा पिता है, वो आकर स्वयं ही अपना है ना बताते हैं कि मैं कैसा, मैं एक ज्योति प्रकाश स्वरूप हूँ। प्रकाश स्वरूप को हर धर्म के लोग याद करते हैं, कोई ना कोई नाम से, कोई ना कोई रूप से याद करते हैं ना। हिंदू लोग उसको ज्योति स्वरूप में याद करते हैं, शिवलिंग में तीन रेखा के बीच में ज्योति को दिखाते हैं। क्राइस्ट लोग उनको गॉड इज लाइट ना, वो भी लाइट कहते हैं भगवान को, वो लोग भी प्रकाश के रूप में याद करते हैं। सबका मालिक एक साई राम अपने आप को नहीं दिखाता, लेकिन वो भी ऊपर इशारा करते हैं ना। मुस्लिम भाई लोग उनको कहते हैं नूर, नूरे इलाही। तो वो प्रकाश स्वरूप को सभी धर्म वाले भगवान के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं, वो भगवान स्वयं ही आकर के बताते हैं ना। तो भगवान जिसका हम सभी आत्माएं संतान हैं, अगर सारी दृष्टि से देखेंगे तो हमें जन्म देने वाले माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं ना। तो वही आते हैं और हमें राजयोग मेडिटेशन, माना राजयोग में क्या, हम स्व स्थिति में स्थित होकर उनको याद करते हैं। तो हमें वो जो प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, ज्ञान के सागर है, वो सारी शक्ति हमारे अंदर में आती है और हम शक्तिशाली बनते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, हम उन्नति की ओर जाते हैं। हमारे मन में कोई भी नेगेटिव है, कोई भी तनाव है, टेंशन है, वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। इसीलिए मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि हम आत्माएं अभी बहुत कमज़ोर निर्बल बन गई हैं। और इस मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं और परिस्थिति कोई भी जीवन में आती, ऊपर नीचे कुछ भी होता, तो हम धीरे धीरे इसको फेस करते जाते हैं ना। तो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक व्यक्ति भी अगर यहाँ पर जो सुनाई देगा, जो भी सुन रहे हैं बात, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे अंदर तो परिवर्तन होगा ही, धीरे धीरे हमें देखकर लोग भी प्रभावित होते हैं और वो भी अग्रसर होते हैं इधर आने की, कि जरूर ये कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, बोल करके उन्हें भी मन होता है ना। जैसे अभी देखते हैं हम लोग, जमन भैया हैं, बिमला माता जी हैं, पहले केवल यही आते थे ना, लेकिन धीरे धीरे अब इनकी बच्ची भी आने लगी है, साथ में बड़ी बहू है, ये भी आते हैं, धीरे धीरे सारे परिवार के लोग आते हैं ना। तैसे करके एक परिवार, साथ में पूरा गांव, यहाँ पर हम लोग कलश लेकर के आए हैं। तो आप केवल एक परिवार के लिए नहीं आए, लेकिन इनका शुभ भावना है कि मेरा गांव भी सुखी बने, मेरा आसपास पड़ोस वाला गांव भी सुखी बने, हमारे जैसे उनके जीवन में भी सुख शांति आए, यही उद्देश्य से हम लोग आए हैं। तो आप लोग घाटों बगीचा में उसका स्थान है, कभी भी आएंगे उधर में तो थोड़ी देर के लिए भी टाइम निकाल करके जरूर आए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बीके ममता बहन जी का, जो आप सभी के समक्ष इतना सार